स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाया जाता है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है साइट क्लीनिंग। आपको साइट दिख रही है, ये इस साइट में आपको कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि जो साइट गंदा है इस पर क्या हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसे साइट को पहले हमें कराना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें किस नॉर्म्स में, हमें गवर्नमेंट SOR में इसका आइटम दिया, गवर्नमेंट SOR ऐसे ही सभी साइट का हमें आइटम दिया होता है अलग अलग कंडीशन में। मतलब साइट पे यदि ग्रास है तो उसका आइटम डिफरेंट होगा, हमारी साइट पर एक डिफरेंट जंगल बना हुआ है तो उस जंगल होता है तो उसका रेट डिफरेंट होता है हमारा। तो ये सभी आइटम्स होते हैं अलग अलग साइट पर। जैसा कि मैं इस साइट की बात करूं तो इस साइट पर छोटे मोटे अंडुलेशन भी है, मतलब मैं घास को यहां से हटवाऊंगा तो अंडुलेशन भी होंगे, तो ऐसा नॉर्म्स मेरे साइट पर दिया होता है। सरफेस ड्रेसिंग एक नॉर्म्स होता है तो उसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके साइट पर ट्री भी आते हैं, उन ट्री का किस तरह से हम रेट लेते हैं तो वो भी हमें इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। ट्री का रेट कैसा होता है, गवर्नमेंट SOR भी दिखाऊंगा आप लोगों को, गवर्नमेंट SOR कैसे होता है, एक्सेल शीट भी दिखाऊंगा आपको कि एक्सेल शीट में कैसा होता है। तो दोस्तों मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं एक्सेल शीट की ओर और गवर्नमेंट SOR की ओर। यहां पे कंप्लीटली हम समझेंगे किस हिसाब से यहां पर हमें रेट दिए होते हैं और गवर्नमेंट का बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर और जानते हैं कैसे हम अपना बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं। तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ड्रॉइंग होना चाहिए, जिसकी ड्रॉइंग को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे 26 फीट 3 इंच और यहां पे 85 फीट हमारी विड्थ है हमारे प्लॉट की, ये टोटल साइज है हमें प्लॉट का। अब इस प्लॉट के साइज को मैं यहां पे एक्सेल शीट में लिया और यहां पे लिख दिया मैंने साइट क्लीनिंग, क्योंकि सबसे पहला आइटम बिल्डिंग का मैं साइट क्लीनिंग करने वाला हूं, जिसका लेंथ मैंने लिया 9.875। देखिए कैसे लिया ये मैंने, यहां पर 26 फीट 3 इंच को मैंने चेंज कर दिया किसमें, मीटर में, और मीटर में आंसर आया 7.875। लेकिन एक एक मीटर हम एक्स्ट्रा और कंसिडर करते हैं, मिनिमम एक एक मीटर, यहां से एक मीटर और यहां पर एक मीटर मैंने एक्स्ट्रा क्लेम कर दिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे विड्थ में लिखा है 85 फीट 0 इंच, तो इसका मतलब यहां पे आंसर आया 25.5। जब मैंने इसको मीटर में चेंज किया, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, 0.30 से आपको मल्टीप्लाई कर देना जितना भी मीटर वहां पे दिया गया है, उसमें मैंने एक एक मीटर फिर से ऐड करके 27.5 मीटर यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया, यहां पर देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है C2 के मतलब ये वाला C कॉलम और 2 रो, इसको मैंने ये दिस मल्टीप्लाई किया इसमें D2 दैट इज दिस एंड मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें E2 दिस, तो मल्टीप्लाई करके मेरा प्लॉट का साइज मुझे पता चल गया 271.56 स्क्वायर मीटर। मुझे क्या करना है, क्लेम करना है अपना किसका, साइट को क्लीन करने के बाद। अब इसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा रेट, और रेट निकालने के लिए मुझे चाहिए बिल ऑफ क्वांटिटी। तो यहां पे मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना के रखा है बिल ऑफ क्वांटिटी का। इस बिल ऑफ क्वांटिटी के फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर यहां पर, अब यहां पे लिखा है कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट। देखिए जब भी दोस्तों मैं वर्क करता हूं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट वर्क में वर्क करता हूं, तो मुझे उस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का मुझे गवर्नमेंट SOR चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं वर्क कर रहा हूं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, तो मुझे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का SOR जिसको बोलते हैं दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, वो मेरे पास होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे यहां पर लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसका दिल्ली और शेड्यूल ऑफ रेट्स वॉल्यूम 1 2018 में ये पब्लिश हुआ है। इसको मैं यहां पर नीचे लाता हूं तो यहां पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इसका इंडेक्स फॉर्म। देखिए इंडेक्स फॉर्म में यहां पर लिखा है बेसिक रेट की जो रेट लिए गए हैं हायर चार्जेस के, लेबर के, मटेरियल के, कैरेज के, ऑफ कोर्स, तो ये कंप्लीटली इस बेसिक रेट में दिया गया है। इसका सब हेड कि कैरेज ऑफ मटेरियल के लिए, अर्थवर्क के लिए। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, अर्थवर्क को जानना, क्योंकि मैंने अभी साइट क्लीनिंग वाला वर्क के लिए मैं रेट फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अर्थवर्क वाले चैप्टर में। तो ये सेकंड चैप्टर दिया है अर्थवर्क, जिसका पेज नंबर है 72। अगर मैं मोर्टार की बात करूं, कॉन्क्रीट वर्क, रेनफोर्स, सीमेंट कॉन्क्रीट, मैसनरी वर्क, स्टोन वर्क, क्लैडिंग वर्क, वुड एंड पीवीसी वर्क, स्टील वर्क, फ्लोरिंग, रूफिंग, ये कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि और भी पार्ट के कैसे बिल बनाए जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो और कमेंट जल्दी करो, आपको नेक्स्ट वीडियो कब तक चाहिए जल्दी मुझे कमेंट करके आप बताइए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो अब हम चलते हैं अर्थवर्क के लिए, 72 पेज नंबर पर अर्थवर्क दिया गया है, तो 72 पेज नंबर पर पहुंचता हूं मैं यहां पर। तो दोस्तों मैं यहां पर आया 72 पेज नंबर जो कि अर्थवर्क।
मुझे क्या करना है, साइट को क्लीन करना है। अब देखिए साइट को क्लीन करने के लिए यहां पर हमें कोड दिए गए हैं, अलग अलग कोड हैं। ये कोड जो दिए गए हैं ये एक्सकवेशन के लिए। अब साइट को क्लीन करने के लिए जो कोड मुझे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे किस तरह से यहां पे कोड दिए गए रहते हैं। देखिए 2.31 यहां लिखा क्लीनिंग जंगल, मैं इसको जूम कर देता हूं, तो यहां लिखा क्लीनिंग जंगल इंक्लूडिंग अपरूटिंग ऑफ रैंक वेजिटेशन ग्रास ब्रशवुड ट्रीज सैपलिंग गिर्थ अप टू 30 सेंटीमीटर मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर above ground level and removal of rubbish up to a distance of 50 meter outside the peripheral area cleared। अभी आपने जो साइट देखी उस साइट पर क्या था, उस साइट पर कुछ पेड़ थे और कुछ ग्रास थी। यदि आपने जो ग्रास वाला आइटम है, चलो ग्रास वाला आइटम इसमें कवर अप हो जाएगा मेरा, ठीक है, लेकिन नीचे भी ग्रास वाला आइटम दिया गया है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताता हूं। देखिए इसने एक बात कह दी ऊपर कि यदि आपके साइट पर कुछ पेड़ है जिसकी गिर्थ, गिर्थ नापना भी बताया था मैंने आपको, पेड़ से 1 मीटर हाइट पर आप क्या नापते हैं, गिर्थ नापते हैं, मेजर करते हैं। तो यदि आपके ने गिर्थ मेजर किया और गिर्थ आपके 30 सेंटीमीटर से कम है तो आप ये 2.31 वाला आइटम लेकर 12.55 स्क्वायर मीटर आपको रेट मिलेगा। फिर इसके बाद लिखा क्लियरिंग ग्रास एंड रिमूवल ऑफ रविश अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर आउटसाइड द पेरिफेरी एरिया क्लियर्ड, यहां पे ये लिखा हुआ है। इसको 6.40 स्क्वायर मीटर दिया है यहां पर रेट, मतलब आपको केवल ग्रास को क्लियर करना है और पेड़ अगर साइट पर आ रहे हैं तो वो डिफरेंट है। अब देखिए पेड़ का पैसा भी कहां मिलता है वो भी दिखाता हूं आपको। तो 2.33 में लिखा है फेलिंग ट्रीज ऑफ गिर्थ मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल Including cutting of trunks, branches, removing the roots and stacking the serviceable material and disposal of unserviceable material। तो दोस्तों जैसा कि साइट पर जाकर मैंने आप लोगों को बताया था, यदि पेड़ की गिर्थ आपने मेजर की 1 मीटर से और 30 सेंटीमीटर से कम है तो इस वाले आइटम में आएगा, लेकिन 30 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 60 सेंटीमीटर तक है तो आपको 380.60 रुपए मिलेंगे एक पेड़ काटने का। यदि आपकी गिर्थ 60 सेंटीमीटर से कम है और 120 सेंटीमीटर तक है तो आपको मिलेगा 1694 रुपए एक पेड़ काटने का। यदि आपकी गिर्थ 120 सेंटीमीटर से कम है, 240 सेंटीमीटर तक है तो आपको मिलेंगे 7860.55 रुपए। मतलब अब 240 सेंटीमीटर तक की गिर्थ से ऊपर कितना भी पेड़ है तो एक पेड़ काटने का मिलेगा 15749.95 रुपए। ये कंप्लीटली लेबर कॉस्ट है आपका, ये यहां पे कंप्लीट लेबर कॉस्ट है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वीडियो का। उस वीडियो में ये जो रेट आपको दिए गए इनका रेट एनालिसिस है कि एक लेबर को कितना टाइम लगता है इस काम को करने में, वो कंप्लीटली मैंने प्रीवियसली वीडियो अपलोड किया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब यहां पर जो मेरी कंडीशन है साइट की, मैंने कंडीशन मांगनी कि जो साइट पर मेरे पास पेड़ था वो छोटा ही पेड़ है, तो मैं यहां से 2.31 यहां से कॉपी करता हूं, 2.31 को कॉपी किया और यहां पर पहुंच गया। मैं कोड नंबर लिखता हूं यहां पर 2.31 दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया रैप टेक्स्ट, कुछ ऐसा बना मेरा आइटम। अब इसके बाद यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी लानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों क्वांटिटी कितना आया था, 271.56 स्क्वायर मीटर, तो मैं क्वांटिटी में लिखता हूं 271.56। यूनिट में जाके लिख दिया मैंने, क्या यूनिट में लिखूंगा मैं स्क्वायर मीटर, तो मैंने स्क्वायर मीटर लिख दिया। और रेट कितना मिल रहा है मुझे, तो वापस जाऊंगा मैं गवर्नमेंट एसओआर में जिसमें लिखा है 12.55 पर स्क्वायर मीटर रेट है ये, तो 12.55 लिखा मैंने यहां पर, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो दोस्तों ये मेरा यहां पर अमाउंट आया कि गवर्नमेंट वर्क में जब भी मैं वर्क करूंगा तो मुझे यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर रेट निकालने होते हैं। इसी तरह से ये जो आप यहां पर शीट देख रहे हैं ये कंप्लीटली मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो कराता ही सभी पार्ट की एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग कॉन्क्रीट, फुटिंग शटरिंग, पेडेस्टल कॉलम, ये पूरे आइटम कवर किए जाते हैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, जिसमें हम रेट एनालिसिस, जिसमें कंप्लीटली हम एस्टिमेशन को एक ड्रॉइंग से रीड आउट करके डाटा निकालना सीखते हैं और साथ में ये जो एसओआर दिए गए होते हैं एसओआर को रीड आउट करके ये आइटम को समझा जाता है कि ये आइटम कैसे दिए गए होते हैं। इससे पहले यदि आपने ये आइटम देखे होंगे तो हो सकता है आपको ये आइटम समझ में नहीं आया होगा। यदि समझ में नहीं आया था इससे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिएगा, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि कितने इंजीनियर्स को मैं यहां पर सिखा पाया इस वीडियो से, कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए वीडियो ये। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ही और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए कि हो सकता है आप किसी वीडियो से मिस हो जाएं। यदि आप किसी वीडियो से मिस नहीं होना चाहते सिविल गुरुजी के चैनल पर तो आप चैनल को
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ये वीडियो इतना शेयर कीजिए जिससे सभी सिविल इंजीनियर्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि ये वीडियो उन सभी सिविल इंजीनियर्स की ग्रोथ में, उन सभी सिविल इंजीनियर्स की जॉब में जो जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।